ये चौक वही है जो इस दुनिया में शांति स्थापित करे। मैं ओमिनस और इस दुनिया के लोग मुझे लॉर्ड ओमिनस कहकर बुलाते हैं। और मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत देर बाद आना चाहिए। तेरे को दिक्कत क्या, मतलब जरा तू ये बार बार आ जाते पिटने मेरे से। आई एम द जॉक, यू नो इट। व्हाट सर, अब तेरी मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने भाई। मैं हीरो हूँ, पहले विलेन था तुम्हें, तब भी दिक्कत थी। सिविल वॉर तेरी, तू इतना दिमाग खराब करके रखा है इनके साला। इनके लिए काम करो फिर भी यार इज्जत नहीं देते। इस दुनिया में इतना कब्जा मचा रखा है मेरे को, इस दुनिया में शांति स्थापित करनी आपटे बे साला। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करके रहूँगा। आई वॉन्ट पीस, पीस, शांति इस दुनिया को मैं। थैंक्स फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्ला, इट्स अबाउट समबडी। ओके थैंक यू, पर ये एक विलन है क्योंकि इसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है। और ये तो फ्लैश का कुछ लग रहा था, इसको शायद इसका नाम रिवाइंड है और मेरा नाम जॉक है, तो शायद कुछ ना कुछ तो करके ही रहूँगा इसका। अरे भाई हाथ क्यों मिला रहा है, दूर रह जा। आई थिंक तू ही है इस जगह का मालिक, इधर आ, तेरी आ जा, तेरे को देखते हैं आज। है जॉक भाई, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड की दास्तान हमें क्यों बता रहे, ठीक है गुड फ्रेंड थी, मैं क्या करूं, तू आ जा। इस यूनिवर्स में सबको मेरे से ही दिक्कत है क्या, मतलब और ये इधर क्या हो रहा है यार। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा भाई तेरा का उससे दोस्त बन गया मैं। आई एम हीरो यार, इन्हें यार अब इनको इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। देखो यार पूरा मेरे को क्यों उत्साहित करते, उत्साहित क्यों करते हो तुम मेरे को मारने को भाई। तेरी भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। वेल मैं तो हीरो ही हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सिविल वॉर स्टार्ट करेगा तू। तेरे को दिक्कत क्या है, पहले तो इसी को पेल लूँ मैं। और तू आ कार पार्क, यू कैन डाई टुगेदर। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ वन मैन आर्मी हूँ, मुझे नहीं पता चल रही, बिकॉज आई एम जॉक, जॉक रेजर। इसको इतनी बार हरा दिया मैंने, तभी मानता नहीं मेरी बातें। तेरे को क्या दिक्कत है, चूई मुई से मुझसे लड़ रहा है भाई। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, आई एम द गॉड। थैंक्स फॉर गेटिंग रिड ऑफ एडवर्ड, ये शायद कैप्टन अमेरिका है, तो फिर इस यूनिवर्स का मैं गॉड हूँ भाई। ये पावर्स मुझे मतलब जायदाद में, सॉरी जायदाद में नहीं पर विरासत में मिली है। वैसे मेरा बाप कौन है मुझे नहीं पता, पर छोड़ो। डेडपूल, इसको चलो लेके चलते हैं, पूल में डाल देंगे इसे, बिकॉज आई एम बैडएस। यार कार पार्क मेरा नहीं हुआ, एक मिनट ना, कार पार्क में मैं अपना कब्जा बना के। ये यार मैं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कहाँ है फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा, एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर शॉट हुआ, लेके लगाते तो 100 नंबर शॉट। ओके आई थिंक अब सब मामला सेटल हो चुका है और मैं अब चलता हूँ उड़ के, बिकॉज आई एम द बेस्ट सुपर हीरो इन द वर्ल्ड एट व्हाट आई डू। ए ओके थैंक्स फॉर गेटिंग रिड ऑफ कूपर, इट्स अबाउट समबडी टुक आउट ऑफ ट्रैश। हटो यार मेरे से दोस्ती नहीं करने का, ठीक है मैं किसी का दोस्त नहीं ना किसी का दुश्मन मैं बस। अब तेरी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, डोंट, मैंने इसको छुआ भी नहीं यार, वो मेरी लेज़र साइट्स बहुत ऐसी, चेस्ट लेज़र और चाउमीन नूडल्स को देख लेते हैं पहले, उड़ जाते हैं कहीं। रख रख तेरी माँ की, रख, एक तो इधर जान जा रही। वैसे मुझे नहीं पता किसका फोन था, पर हाँ दिस इज माई यार्ड एमएल। अच्छा भाई तुम्हारा यार्ड है, तो ठीक है हमें अब काम करना पड़ेगा अपना। स्कूल से निकला, जॉक मजे लेना नहीं छोड़ेगा, पर यही एट्रीब्यूट उसको क्या पता था, या शायद उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत में तब्दील हो जाए। भाई इस लड़की ने मुझे क्यों किस किया आई डोंट नो, लेकिन आई लाइक इट, आई लाइक इट।
ओके इसको पहले हम हरा के सीधा अपने ट्रेन पे कब्जा करते हैं। एंड आई एम द गॉड बीइंग, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, तू बैठ नीचे। आई एम द गॉड द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का गॉड हूँ मैं। आई एम द गॉड द गॉड। खत्म, सब खेल खत्म। हार मान ले भाई, मैं ज़्यादा लेज़र नहीं चला रहा वरना उस अपनी गर्लफ्रेंड को लग जाएगी, जिसका नाम मुझे नहीं पता पर वाय उसने मेरे को किस क्यों किया, आई डोंट इवन नो। ओके हम जीत चुके, सब वे हमारा हो चुका है, पर ट्रेन हमारी नहीं है अभी, तो ट्रेन के लिए हम कोशिश करेंगे। और मैं अभी बात करने की कोशिश करना चाहता हूँ। हेलो, एक आपने मेरे को किस क्यों किया, प्लीज़ आप बता सकती हैं, मतलब आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं मांगा। एंड ट्रेन रुक चुकी है, आप जा सकती हैं उसमें। कोई रिस्पॉन्स नहीं, भाई साहब बेइज्जती, ऐसे किस कर लिया गया भाई, मैडम ऐसे थोड़ी होता सब कुछ, ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो आप मेरी आप महारानी बन सकती हैं। पहले उसे मैंने लात मारी। व्हाट्स हैपनिंग टू मी, क्रॉसफिट बन चुका है ये बंदा, अजस्टिस। ओके तो मुझे अपना पार्टनर मिल चुका है, नाइस नाइस एंड नाइस। चलो चलते हैं यार, अब तक लो पार्टनर मिल चुका है और जंक्शन पे कब्जा करते, क्योंकि जंक्शन पे जॉग लेजर जो अब आया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सारे विलन्स आ जाओ। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट व्हाट आई डू। हटो नीचे बैठो अब, एक मिनट। आई एम अंडरटेकर, आई विल टीच यू अ लेसन, यू कांट रिफ्यूज। सबको पेलूंगा, सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। दिस इज माय यार्ड नाउ, ये मेरा मेरा इलाका है, इट्स माय। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, फ्रीज गन तो हाथ में आई गई है। ओके अब सबको फ्रीज कर दूंगा, और फिर फ्रीज करने के बाद क्या करें, आई थिंक ये सब विलन हैं और ये मेरे सामने तुच्छ हैं। एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और अंडरटेकर को पहले फ्रीज कर दें। ओके और ये मैडम जी ज़्यादा मान रही नहीं है, तो इन्हें भी हम कर ही दें। आ जाओ तुम, इसको भी, ये तो पता नहीं हमसे कब से पिट रहा है। ओके तो भाई ये तो किस करने वाला था, इसको कर दिया तो ये बहुत गुस्से में है, लेकिन यू विल बी, तुम ये डिसर्व करते हो भाई। वो मेरे बंदे को छोड़ दे भाई, मतलब गलती से लग गई, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। इसको बता तो मेरी गन लेके भागा है तू, बेटा गन लेके भागा है तो अब देख मेरी ताकत, गन लेके भागा तो ताकत देख मेरी अब। ओके माई कैलकुलेशंस नहीं लेने देंगे भाई, अरे भाई मैं गॉड हूँ यार, मैं हरा दूंगा, सॉरी भाई सॉरी, हरा दूंगा। यार ये तू लाल सूट फिरा गया, तू तेरे को चैन नहीं है, आई कैन जॉइन यू भाई, ज्वाइन कर ले, तो अगर तीन हीरो हो गए तो आई कैन डेफिनेटली, हम इस जंक्शन को साथ ले सकते हैं। मैं गॉड हूँ, ये लॉर्ड ऑबिलस ही जाता है, लेकिन वो भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी प्रेजेंस यहाँ नहीं है, और अब मेरे विलन्स लोग इसकी बैट बजा देंगे। इसने अपना पराक्रम बिल्कुल मतलब एक योद्धा की भांति लड़ा है ये, पर ये नहीं जाता है जॉक कि ये सब मेरे लोग हैं, ये नहीं जाता कि मैं कौन हूँ, ये सिर्फ मेरी और लॉर्ड ऑबिडस की बात है, और जैसे कि ये क्राइम के खिलाफ लड़ रहा है, ये नहीं लड़ पाएगा क्राइम के खिलाफ, ये मेरे विलन्स लोग हैं, ये इसको मार गिराएंगे, और बाद में मैं इसकी पावर्स भी ले लूँगा, पर लॉर्ड ऑबिडस को कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर उसे पता भी चला ना तो जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। अरे यार ये तो बहुत भारी पड़ रहे हैं यार, बहुत भारी पड़ रहे हैं भाई, कहाँ मर गए, ओ भाई छोड़ दे भाई, ओ भाई मर गए। तो अब जॉक की पावर्स जा चुकी हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि
किसी युद्ध में हारा हुआ योद्धा कभी अपनी शक्तियां नहीं खोता, उसी प्रकार जॉक की पावर्स कैसे चली गई या क्यों गई या फिर कौन कर सकता है।